कोणार्क मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है। इस मंदिर के हर एक हिस्से पर देवी देवताओं, नृत्यकों, जीवन को दर्शाते हुए कई चित्र आदि पत्थर पर उकेरे गए हैं। इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प बातें। उड़ीसा राज्य में स्थित यह स्मारक प्राचीन वास्तुकला के विशिष्ट मॉडल के लिए यूनेस्को द्वारा प्रमाणित एक मशहूर वैश्विक धरोहर है। भगवान सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर में अभी भी रोज सूर्य देव की आराधना व पूजा की जाती है। 1255 ईस्वी में गंग वंश के राजा नृसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। 1200 कलाकारों ने मिलकर इस मंदिर को 12 सालों में तैयार किया। कोणार्क मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, पर समुद्र के सिकुड़ जाने के बाद यह समुद्री तट से थोड़ा दूर हो गया। गहरे रंग के कारण इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण सूर्य के रथ के रूप में की गई है। इस मंदिर में 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं जिनकी विशाल रचना सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोणार्क मंदिर के रथ में बने हुए पहिए सूर्य घड़ी की मुद्रा में हैं, जिन्हें आज के घड़ियों के अनुसार बनाया गया है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार में दो शेर बने हुए हैं जो दो हाथियों को अपने नीचे दबाए हुए हैं और उन हाथियों के नीचे मनुष्य की प्रतिमा दबी हुई है। यहाँ शेर को अहम के रूप में और हाथी को पैसे के रूप में दर्शाया गया है। इससे साबित होता है कि पैसे की लालच और अहम से मनुष्य का नाश हो जाता है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में चुंबकों को इस तरह स्थापित किया गया था कि मंदिर की मुख्य प्रतिमा हवा में तैरता हुआ दिखाई देता था। औपनिवेशिक समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन चुंबकों को यहाँ से हटा दिया गया, जिसकी वजह से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और यह ढहने लगा। समुद्र तट पर बने इस मंदिर में सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे प्रतिमा की चमक देखने लायक होती है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।